दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को विश्व की सबसे बेहतरीन वनडे टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर टेस्ट सीरीज के बाद अब वनडे सीरीज में हार गई है, तो वहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए तीसरे मुकाबले को बेहतरीन तरीके से खेल रही है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के हालात के बारे में। लेकिन उससे पहले, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में से कौन सी है बेहतरीन टीम और किसके पास है बेहतरीन मध्यम क्रम बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम 23 जनवरी यानी कि आज केप टाउन के स्टेडियम में अपनी इज्जत बचाने के लिए वनडे सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला दोपहर 2 बजे से खेल रही है। जहां भारतीय टीम के कप्तान के राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं अपनी टीम में प्लेइंग 11 में ओपनिंग करने के लिए राहुल अपने साथ शिखर धवन के साथ उतरे और तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर ऋषभ पंत जिन्होंने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, पांचवें नंबर पर सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है वेंकटेश अय्यर की जगह पर और छठवें नंबर पर श्रेयस अय्यर, सातवें नंबर पर जयंत यादव को रविचंद्रन अश्विन की जगह मौका दिया गया है और आठवें नंबर पर मोहम्मद सिराज की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है। वहीं नौवें नंबर पर शार्दुल ठाकुर की जगह दीपक चहर को और आखिरी मुकाबले में खेलने का अवसर मिला है, तो वहीं 10वें और 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह और यजुवेंद्र चहल खेलने के लिए उतरेंगे। तो वहीं विपक्षी साउथ अफ्रीका की टीम में पिछले मुकाबले को जीतकर इस मुकाबले में क्लीन स्वीप के इरादे से सिर्फ एक बदलाव के साथ उतरे हैं, जिसमें तबरेज शमसी की जगह ड्वेन प्रिटोरियस को मौका दिया गया है और अपनी प्लेइंग 11 में ओपनिंग करने के लिए जानेवन मलान और क्विंटन डिकॉक उतरेंगे और पिछले मैच में शानदार अर्धशतक लगाकर इस मुकाबले में खेलने उतरेंगे। तो वहीं तीसरे नंबर पर कप्तान तेंबू बाउमा बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शतक लगाया था तो दूसरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया, और चौथे नंबर पर वेंडर हुसैन आएंगे और इसके बाद जिन्होंने पिछले मुकाबले में शतक लगाया था और दूसरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था, और पांचवें नंबर पर मार्करम बल्लेबाजी करेंगे और छठवें नंबर पर डेविड मिलर उतरेंगे, सातवें नंबर पर एंड्रू फिलिक बायो, आठवें नंबर पर केशव महाराज और नौवें नंबर पर नए खिलाड़ी ड्रेन प्रोटियस, दसवें नंबर पर लुंगी अंगीदी और अंत में सिसंदा मंगेला उतरेंगे। और वहीं साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो पहला ओवर करने आई दीपक चहर और उन्होंने पहले ओवर में मात्र 2 रन दिए, तो वहीं दूसरे ओवर में आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने पहला चौका जड़ा और ओवर में कुल 6 रन बटोरे, तो वहीं तीसरे ओवर में पहली गेंद पर दीपक चहर ने जानेमन मलान को 1 रन पर आउट किया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान तेंबू बाउमा आए और वहीं इसी ओवर में क्विंटन डिकॉक ने दीपक चहर को 2 चौके जड़े और चौथे ओवर की पहली गेंद पर कप्तान ने शानदार चौका जड़ा और सातवें ओवर में केएल राहुल ने कप्तान को 8 रन बनाकर रन आउट कर दिया और बल्लेबाजी करने के लिए मार्करम आए और अपना पहला चौका 8वें ओवर में जड़ा और 13वें ओवर में मार्करम 3 चौकों के साथ 15 रन बनाकर दीपक चहर का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वेंडर हुसैन आए और वहीं 18वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 20वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने जयंत यादव को 1 छक्का और 1 चौके के साथ 12 रन जड़े और 29वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने एक शानदार छक्का जड़ा और 31वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने अपना 7वां शतक पूरा किया और 35वें ओवर में वेंडर हुसैन ने अपना अर्धशतक जड़ा, तो वहीं डिकॉक ने लगातार 2 चौके जड़े और 36वें ओवर में बुमराह ने डिकॉक को 124 रन पर आउट कर दिया और 37वें ओवर में वेंडर हुसैन ने 52 रन बनाकर अपना विकेट चहल को दे दिया और बल्लेबाजी करने के लिए एंड्रू फिलिक बायो और डेविड मिलर आए और 41वें ओवर में 4 रन पर फिलिक बायो रन आउट हो गए और 43वें ओवर में 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 12 रन जड़े और 48वें ओवर में ड्वेन प्रिटियस को 20 रन पर प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया और 48वें ओवर में केशव महाराज को बुमराह ने 6 रन पर आउट किया और 50वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने मिलर को 39 रन पर आउट किया और सिसंडा को 0 रन पर आउट किया और इसी के साथ ही 50 ओवर तक 287 रन पर साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई। और वहीं भारतीय गेंदबाजों में दीपक चहर ने 8 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 52 रन दिए और 2 विकेट लिए और प्रसिद्ध कृष्णा ने 10 ओवर में 59 रन दिए और 3 विकेट लिए, जयंत यादव ने 10 ओवर में 53 रन दिए और चहल ने 9 ओवर में 47 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया और श्रेयस अय्यर ने 3 ओवर में 21 रन दिए। और जब बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम उतरी तो राहुल ने पहले ही ओवर में लुंगी एंगिदी को 2 चौके जड़ दिए और वहीं 5वें ओवर में राहुल 9 रन 2 चौकों की मदद से बनाकर लुंगी एंगिदी का शिकार हो गए और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली ने आते ही पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा और 7वें ओवर में धवन ने प्रोटियस को 1 छक्का के साथ 1 चौका जड़ दिया और धवन ने 18वें ओवर में अपना 35वां अर्धशतक पूरा किया और 23वें ओवर में एंड्रू फिलिक बायो ने धवन को 61 रन पर आउट कर दिया और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत अपनी पहली ही गेंद पर फिलिक बायो का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए और 25वें ओवर में कोहली ने शानदार चौका जड़ा और अपना
64वां अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ ही विराट कोहली सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए और 30 ओवर में भारतीय टीम ने 150 का आंकड़ा पूरा कर लिया था और अभी तक 30 ओवर में भारतीय टीम ने 152 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए, जिसमें श्रेयस अय्यर 13 और विराट कोहली 64 रन बनाकर नाबाद खड़े हैं और भारतीय टीम इस मुकाबले को 45 ओवर से पहले ही जीत सकती है। दोस्तों, भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।